त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं उसकी संपूर्ण व्यवस्थाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन हेतु एनेक्सी सभागार में सभी आरओ एआरओ का प्रशिक्षण अपर जिलाधिकारी वित्त राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रशिक्षण के दौरान एडीएम वित्त राजेश सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आरओ एआरओ का विशेष महत्व होता है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत आदेश निर्देश के अनुसार निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराएं। प्रशिक्षण के दौरान आरओ एआरओ को त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन का दाखिला, नामांकन पत्रों की जाँच, नाम वापसी व प्रतीक आवंटन आदि के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने आरओ एआरओ से कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराएं। प्रशिक्षण में जिला विकास अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जब ये बिक्री जहाँ तक फार्म की बिक्री है, खंड विकास खंड कार्यालय से की जाएगी, इसके लिए वीडियो साहबान व्यवस्था करेंगे, उसको आपको नहीं देखना है। उसकी नामांकन पत्रों की बिक्री का जो लेखा शीर्षक है, अगर आप जानना चाहें तो उसका है 0515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 101 पंचायती राज अधिनियम में के अंतर्गत प्राप्तियां और 02 है पंचायत निर्वाचन से प्राप्तियां। ये लेखा शीर्षक नामांकन पत्रों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को जमा करने के लिए है। आपको जिससे ज्यादा मतलब होगा वो जमानत धनराज का लेखा शीर्षक होगा, उसको भी हम आगे बता रहे हैं। वो है आपका 8,443,84,45 सिविल जमा, 121 चुनाव के संबंध में जमा और 06 पंचायत निर्वाचन हेतु जमा। प्रत्येक जो भी नामांकन पत्र आएगा उसके साथ उसकी सिक्योरिटी जो होगी, सिक्योरिटी जो होगी, सबसे पहले आप ये कह दें कि जहाँ पर स्टेट बैंक है या ट्रेजरी है, वो लोग चालान से जमा कर दें। चालान से अगर नहीं जमा करता तो 385 की रसीद जो कोषागार से निर्गत होती आप सभी लोगों को मिलेगी, उससे भी आप उसकी जमानत धनराशि ले सकते हैं। लेकिन जितना चालान से जमा होगा उतना आपके लिए आसान होगा, वरना प्रपत्रों के रख रखाव के साथ साथ आपके धनराशि को भी आपको रख रखाव करना पड़ेगा। फिर उसको आप कंसोलिडेट करके जोड़ के इकट्ठा आपको कोषागार में जमा करने पड़ेगा। तो ये इस तरह का निर्देश आप भी दे दें शुरुआत में कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग चालान जमा कर लें। वैसे तो विकासखंड से भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई चालान नहीं रहता अंतिम समय में आपके आता है तो आप उसको इससे चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसका नामांकन पत्र नहीं लेंगे कि उसने चालान नहीं जमा किया। उस समय आपको 85 रसीद से उसकी सिक्योरिटी मनी लेनी पड़ेगी और उसका नामांकन पत्र प्राप्त करना होगा। उस दिन तक उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। आयु के संबंध में अगर कुछ प्रूफ की बात आती है, इसमें हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वही ऑथेंटिक है और उसे ही आप मान्यता देंगे। हाई स्कूल के नीचे कक्षा 5 कक्षा 8 की कोई मार्कशीट लगाता है तो बहुत सारी बन सकती हैं, उस पर कोई निर्णय आप नहीं लेंगे। हाई स्कूल की कम से कम मार्कशीट उसको दिखाना चाहिए, क्लोजर्स होने चाहिए, वो लेके आया है। अधिक से अधिक लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाए। नामांकन पत्र उसमें भी कक्षा होगा जो जिसे नाम निर्देशन पत्र कहते हैं, सभी पदों के लिए प्रधान के लिए। उसके बाद नेक्स्ट होना चाहिए प्रधान पद और क्षेत्र की योग्यता और आपराधिक जो भी उसका हिस्ट्री है उसका डिटेल उसमें रखता है। ये प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद में एफिडेविट होगा, नोटेरियल होगा, या देखना हम लगभग एक जो होगा वो नोटरी, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार से सत्यापित होगा, एफिडेविट पर होगा। उस केस में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य